बात राजस्थान में गहलोत सरकार की मंत्रिमंडल गठन को लेकर दिल्ली में दिन भर बैठकों का दौर चला। राहुल गांधी के आवास पर हुई बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे भी रहे मौजूद। एक बार मुख्यमंत्री राहुल के 12 तुगलकी लेन स्थित आवास पर भी गए। गहलोत ने राहुल गांधी से अलग से मुलाकात की। उन्होंने तरुण कुमार, देवेंद्र यादव, विवेक बंसल और निजामुद्दीन से भी चर्चा की है। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल में अनुभवी चेहरों के साथ में युवाओं को भी तरजीह दी जाएगी। मंत्रिमंडल पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में सचिन पायलट की छाप भी नजर आएगी। मंत्रिमंडल को अंतिम रूप राहुल गांधी को देना है। हालांकि दोनों नेताओं ने वार्ता के बाद में नाम लगभग तय माने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भी संकेत दिए हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार के सभी वर्गों का ख्याल रखा जाएगा, जिससे प्रदेश के विकास में सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। सूत्रों के अनुसार बैठक में मंत्रिमंडल का पूर्ण समन्वय नहीं बन पाया है। मंत्रिमंडल में अपने विधायकों को शामिल करवाने को लेकर मुख्यमंत्री पायलट ने दबाव बनाया है, लेकिन गहलोत 2019 लोकसभा पर फोकस करके छोटे मंत्रिमंडल बनाने पर जोर दे रहे हैं। तो वहीं ये भी बताया गया कि अभी 2 से 3 दिन मंत्रिमंडल गठन को लेकर लग सकते हैं। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने चारों सचिवों विवेक बंसल, काजी निजामुद्दीन, तरुण कुमार, देवेंद्र यादव से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राय ली है।